नमस्कार, अब आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल क्या है। तो सॉइल जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो पादप वृद्धि के लिए नेचुरल मीडियम प्रदान करती है, साथ ही पादपों और जीवों को आधार भी प्रदान करती है। मृदा का निर्माण किस तरह से होता है? तो मृदा का निर्माण निरंतर बड़ी बड़ी चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक अपरदन के कारण होता है, और वेदरिंग के कारण होता है, और अनेक खनिज तत्व जैसे एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, सिलिका, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये खनिज तत्व और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, सूक्ष्म तत्व जो है ये पादपों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि के लिए और पादपों की वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। मृदा में पादपों के लिए जो वाटर उपलब्ध होता है वो वाटर कैपिलरीज के रूप में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो सॉइल में कई प्रकार और सॉइल में टेम्परेचर, एरेशन, फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर, ये सभी जो हैं ये मृदा की क्वालिटी को बनाते हैं। तो सॉइल में डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीट्स ये पाए जाते हैं, और ये सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति मिट्टी में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर निर्भर करती है, और मिट्टी का वातावरण और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। मिट्टी की जो सबसे अधिक सूक्ष्म जीव, उसकी सबसे ऊपरी वाली परत 5 से 10 सेंटीमीटर की जो परत होती है उसी में पाए जाते हैं। निचली परत में, मतलब 1.5 से 5 मीटर तक की जो परत है, इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मात्रा सर्वाधिक होती है। निचली परत जो है इनकी इसमें जो बैक्टीरिया की मात्रा है वो ऊपरी परत से मतलब ऊपर की जो 5-10 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उससे नीचे जो परतें हैं, निचली परत मतलब लगभग 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की निचली परतों में इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो सूक्ष्म जीवों की जो संख्या और विविधता मिट्टी में डाली गई खाद से भी प्रभावित होती है। सामान्यतः यदि बंजर भूमि की अपेक्षा जो मैन्योर्ड लैंड होती है उनमें इनकी संख्या अधिक होती है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनका जो वितरण है वो एरेशन, टेम्परेचर, पीएच, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर होता है, इन सबसे भी प्रभावित होता है। नीचे की मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, मतलब किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया। तो और इनकी क्या ज़रूरत होती है मिट्टी में, तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम बैक्टीरिया। तो मिट्टी में उपस्थित कुल सूक्ष्म जीवों में लगभग 50% से भी अधिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और 1 ग्राम फर्टाइल मिट्टी के अंदर लगभग 10^9 बैक्टीरिया की संख्या होती है, और ये बैक्टीरिया सभी प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं। बस ये ऊपर की परतों में पाए जाते हैं, गहरी परतों में ये इनकी संख्या में कमी होती है, या और गहरी परतों में नहीं के बराबर पाए जाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो बैसिलस टाइप के होते हैं, कोकाई जो 0.5 माइक्रोन जिनकी साइज़ होती है, बैसिलस स्पाइरल प्रकार के बैक्टीरिया सबसे अधिक पाए जाते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सॉइल वाटर में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं ये स्यूडोमोनास, ऑर्थोबैक्टर, एक्रोमोबैक्टर, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, माइक्रोकॉकस, फ्लैवी बैक्टीरियम, ये सारे बैक्टीरिया
मिट्टी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक या हिटेरोट्रॉपिक होते हैं। थायोबैसिलस, फेरोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर मिट्टी में पाए जाने वाले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। एस्चेरिचिया मिट्टी में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो सीवेज है, सीवेज से जो पॉल्यूटेड सॉइल है उनमें ये पाए जाते हैं। और सेल्युलोज प्रचुर वातावरण में अनेक प्रकार के सेल्युलोटिक बैक्टीरिया जैसे साइटोफेगा, स्पोरोसाइटोफेगा ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स इसके बाद आते हैं हम, तो ड्राई और वार्म साइल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिनोमाइसीड्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और अपघटित कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी में इनकी संख्या अधिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइक्रोमोनोस्पोरा, नोकार्डिया ये सॉइल में पाए जाने वाले एक्टिनोमाइसीड्स हैं। मिट्टी में उपस्थित ये क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित जटिल रासायनिक पदार्थों को अपघटित करके उनकी उर्वरक क्षमता और उन उसकी मिट्टी की उर्वरक उनको अपघटित करते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। जूते हुए खेत से आने वाली जो गंध है, अर्थी स्मेल, वो इन्हीं एक्टिनोमाइसीड्स की सक्रियता का कारण है। जो मिट्टी की जो गंध आती है वो इन्हीं की सक्रियता का कारण होती है। इसके बाद आते हैं फंजाई, तो मिट्टी में अनेक प्रकार की फंजाई पाई जाती हैं जो सॉइल की उर्वरकता को बढ़ाती हैं और उन उर्वरकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के अंदर रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके बाद फंजाई में, तो ये सॉइल में फंजाई की संख्या उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। और फंजाई की जो उपस्थिति है वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और उनकी गुणता दोनों पर निर्भर करती है। सामान्यतः मिट्टी की यदि अम्लीय प्रकृति है और वायवीय दशा इनमें कवकों की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त यदि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे कि क्रॉप रोटेशन है, पेस्टिसाइड का प्रयोग है, गहराई आदि लक्षणों में भी मिट्टी के जो फंजाई का वितरण है ये मिट्टी में प्रभावित करता है। एस्परजिलस, बोटराइटिस, सिफेलोस्पोरियम, पेनिसिलिन, अल्टरनेरिया, मोनोलिया, फ्यूजेरियम, म्यूकर, राइजोपस, पाइथियम, राइजोक्टिनिया, कीटोमियम ये सामान्य रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। ईस्ट ये जैसे अंगूर है और फलोद्यान की मिट्टी में ये, मतलब जहाँ पर फलों की फसलें ली जाती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, फलों के बगीचे हैं वहाँ पर ईस्ट पाई जाती है। अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम ये जो फंगस है ये ऑर्गेनिक पदार्थों को प्रिजर्वेशन में भी सहायक होती हैं। कुछ फंजाई जो है वो माइकोराइजा के रूप में सॉइल में पाई जाती हैं, और ये जो फंजाई है ये हायर प्लांट्स में उनकी रूट्स में हायर सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनको माइकोराइजा कहा जाता है। और ये लो सॉइल फर्टिलिटी और ड्रॉट और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं, जैसे बैलेटस, लैक्टारियस, एमानीटा। एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा है
जो कि पाइनेसी, बेट्यूलेसी, फैगेसी, टेलिएसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी आदि कुल की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाई जाती है। पाइसोलिथस टिंटोरियस ये सामान्य रूप से पाया जाने वाला माइकोराइजा है और इसको कल्चर माध्यम में आसानी से संवर्धित किया जा सकता है। आर्मिलेरिया एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा है। तो इस तरह से ये माइकोराइजा जो है ये जड़ों में पाए जाते हैं और इनके जो हाइफी है ये काफ़ी गहराई तक जाकर वहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये माइकोराइजा सॉइल में पाए जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को जो प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके बाद एल्गी, कुछ एल्गी जो नम मिट्टी में जहाँ प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होती है वहाँ पर उपलब्ध होती है और सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारने में सहायक होती है। धान के खेतों में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। क्लोरेला, क्लोरोकोकस, प्रोटोसाइफोन, एफेनोकैप्स, कैप्सा एनाबीना, इस तरह एक नॉस्टक, साइटोनीमा ये चावल के खेतों में मुख्य रूप से धान के खेतों में पाई जाती हैं एल्गी। कुछ जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। कुछ क्लोरोफाइटा की एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, बोट्राइडियम, फ्लूरोकोकस ये पाई जाती हैं। कुछ बैसिलेरियोफाइटा की एल्गी जैसे पिनुलेरिया, नेविकुला ये भी पाई जाती है। जेंथोफाइटा की वाउचेरिया सॉइल में पाई जाती है और ये जो एल्गी है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ आते हैं। ये प्रोटोजोआ मिट्टी की ऊपरी परतों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो ये जो प्रोटोजोआ हैं ये बैक्टीरिया को खाते हैं और मिट्टी में बैक्टीरिया की संख्या प्रोटोजोआ की संख्या से प्रभावित होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर के, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के उपयोग से मिट्टी में इनकी संख्या बढ़ती है और मिट्टी में अनेक प्रकार के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। फिर भी अमीबा और फ्लैजिलेट्स की संख्या सीलिएट प्रोटोजोआ से अधिक होती है और अनुकूल परिस्थितियों में प्रोटोजोआ वेजिटेटिव स्टेज में पाए जाते हैं जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सिस्ट बना लेते हैं। सॉइल में माइक्रोफ्लोरा की जो साम्यावस्था के अनुरक्षण में ये सहायक होते हैं और मृदा में उपस्थित प्रोटोजोआ मैस्टिगोफेरा जैसे एलिंटियन बोडो, सॉर्कोबोडो, सॉर्कोमोनास, एंटोसाइफोन इस तरह से और सॉर्कोडियन, एमीबा, बायोमिक्सा ये उसके उदाहरण हैं। सीलिएटा के रूप में बैलेंटियोफोरस, कॉलपोडा, गैस्ट्रोइला, प्लूरोट्राइका, ऑक्सीट्राइका, वर्टिसेला वर्ग के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ये सीलिएटा वाले जो हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ में जो फ्लैजिलेट की संख्या में अमीबा और फ्लैजिलेट की संख्या में सीलिएटा प्रोटोजोआ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉइल माइक्रोफ्लोरा होती है, सॉइल में पाई जाने वाली माइक्रोफ्लोरा और वो किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने का काम करते हैं। धन्यवाद।